दोस्तों सोचो आपके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे आपको डेली ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाए जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि कब आपको किसी स्टॉक को बाय या फिर सेल करना है, और वो लिस्ट खुद ब खुद अपडेट भी होती रहे जिससे आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो अब तक अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी तो अब होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले investing.com पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने कर्सर को टूल्स सेक्शन के ऊपर प्लेस करना है। जब आप टूल्स सेक्शन पे अपने कर्सर को प्लेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट टूल्स ऑप्शन है उसके अंडर में स्टॉक स्क्रीनर पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीनर आपके सामने ओपन हो गया है जहाँ पर वेरियस स्टॉक्स आपके सामने मेंशन है। टोटल अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो देयर आर 6,860 रिजल्ट्स। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स के नाम मेंशन है, तो ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आप इस लिस्ट में से इंडिविजुअली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने जाओगे तो हो सकता है कि आपको पूरा दिन लग जाए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को ना आइडेंटिफाई कर पाएं। लेकिन यहाँ पर इसका एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है दोस्तों, और वो सॉल्यूशन है ये जो आप यहाँ पर फिल्टर्स देख रहे हैं स्क्रीन के सेंटर पार्ट में। यहाँ पर ऐड क्राइटेरिया करके जो हेडिंग है, यहाँ पर इसके अंडर में कुछ फिल्टर्स मेंशन है। तो यहाँ पर इन्हीं फिल्टर्स का इस्तेमाल करके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम अपने स्टॉक्स की लिस्ट को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और दोस्तों ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक्यूरेट मेथड है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगनर भी हैं तो भी दोस्तों आप इस मेथड को बहुत इजीली यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जितने भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं आपको यहाँ पर पॉपुलर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और पॉपुलर ऑप्शन पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ उसके अंडर में यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें जो सेकेंड ऑप्शन है यानी मार्केट कैप, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक फिल्टर दिया जा रहा है जहाँ पर हम कंपनी की मार्केट कैप को डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम मार्केट कैप हमको लेकर चलना है डेट इज 100 मिलियन रुपीज, विच इज 10 करोड़। और दोस्तों यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्केट कैप है वो जितना ज्यादा होगी उतना ही बेहतर है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है विच इज प्राइस, तो प्राइस पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है उसमें जो मिनिमम प्राइस हमको लेकर चलनी है डेट इज 300 रुपीज, और उसके बाद जो मैक्सिमम प्राइस है वहां पर हम 1500 एंटर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा सस्ते स्टॉक्स या फिर बहुत ज्यादा महंगे स्टॉक्स को हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है यानी टेक्निकल इंडिकेटर्स। और दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज द ADX इंडिकेटर, इसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों ये जो ADX इंडिकेटर है ये क्या होता है, आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ADX इंडिकेटर है ये काफी ज्यादा पावरफुल इंट्राडे इंडिकेटर होता है। ये आपको किसी भी शेयर में किस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, क्या कोई शेयर एक ट्रेंडिंग फेज में है या फिर वो एक साइडवेज फेज में है, तो ये इंडिकेटर हमें दूसरे किसी इंडिकेटर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपने फिल्टर में ADX इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाला है। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का जो ADX वैल्यू है वो 20 से कम है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक इस वक्त साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, यानी एक ट्रेंडलेस फेज में, एक कंसोलिडेशन फेज में हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और वहीं उसके कंपैरिजन में अगर ADX वैल्यू 20 और 50 के बीच में है तो इसका मतलब है जो स्टॉक है वो करेंटली एक ट्रेंडिंग फेज में है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और उसके कंपैरिजन में अगर मान लीजिए ADX वैल्यू हमें 50 से भी ज़्यादा देखने को मिलती है तो इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि कोई शेयर इस वक्त ओवरबॉट है या फिर एक एग्जॉशन फेज में है। तो दोस्तों इन तीन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम लोग ADX इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब एक आइडियल ADX वैल्यू किसी शेयर में क्या होनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली 20 और 50 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ अपने इंडिकेटर में हम लोग जो मिनिमम ADX वैल्यू है उसको 20 पर सेट कर देंगे, और जो मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू हमें लेकर चलनी है डेट इज 50। अब दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट फिल्टर है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं डेट इज वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी। अब जब आप वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इसमें से जो बीटा का ऑप्शन है इसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों बीटा का काम ये होता है कि वो आपको सिंपली किसी स्टॉक
में कितना मूवमेंट आ सकता है, मतलब एक इंडेक्स के कंपैरिजन में किसी स्टॉक में कितना मूवमेंट आ सकता है इसके बारे में बताता है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, अगर मान लीजिए निफ्टी में 1% तक का मूव आता है और उसी समय अगर निफ्टी में कोई ऐसा स्टॉक है जिसका कि बीटा वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब निफ्टी में 1% मूवमेंट आएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसी स्टॉक में जिसका बीटा वैल्यू 2 है उस स्टॉक में हमें 2% तक का मूव आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिनिमम बीटा वैल्यू है वो हो जाएगी -2 और मैक्सिमम बीटा वैल्यू हमारी रहेगी यहाँ पर 2, क्योंकि दोस्तों कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो ऐसे स्टॉक्स को हमें यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल एक्सचेंजेस में यहाँ पर हमें सिर्फ NSE को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऐसे ही स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करेंगे जो कि NSE पर ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पर NSE ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम नीचे यहाँ पर ड्रैग करते हैं और टेक्निकल सेक्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो गई है। अब यहाँ पर लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, मोर देन 500 स्टॉक्स यहाँ पर ये फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। इस लिस्ट को हमें यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। जितने भी दोस्तों ये जो टिप्स कॉल और टिप्स सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको शेयर्स बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ये वादा करते हैं कि वो रोज़ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवल्स और शेयर्स निकाल कर दे सकते हैं, वो सारे लोग इसी स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपनी लिस्ट को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, ऑप्शंस को बोल्ड कर लूँगा जिससे कि आपको इन्हें पढ़ने में आसानी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स इस वक्त आपके सामने हैं, तो इन स्टॉक्स में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपली पहले सारे स्टॉक्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों एक बार जब हमने ये पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हमें जाना है आपके स्क्रीन के टॉप साइड में आप देख सकते हैं डेटा का एक ऑप्शन है, डेटा पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है फिल्टर पर। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपको यहाँ पर करना है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप वेरियस टैब्स देख रहे हैं जो हैं दोस्तों ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से आपके सामने एक टैब्स ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट जो टैब है इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं आपको इनको अनसेलेक्ट कर देना है और इसमें से हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल के जो ऑप्शन हैं उन्हीं को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम फिर से आवर्ली जो अगला टाइम फ्रेम है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम सारे ऑप्शंस को अनसेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल को ही सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेलिंग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय का ही ऑप्शन आ रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में कुछ समय से हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ समय से इलेक्शंस के पहले से, तो इस समय मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और ऐसा पॉसिबल है कि दोस्तों कि जो लॉन्ग टर्म फ्रेम है जैसे कि डेली वीकली या मंथली, हो सकता है कि कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पर ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं हो सकता है कि दोस्तों उसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही हो, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सेलिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीकली में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय को ही सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगेन मंथली पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बाय ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक्स की लिस्ट थी, इनिशियली जो हमारे पास लिस्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हमारे सामने थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने दोस्तों अपने फिल्टर्स को यहाँ पर अप्लाई किया तो हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट आ गई है। हमने 5000 प्लस स्टॉक से शुरुआत करी थी और यहाँ पर हमारे पास लगभग यहाँ पर हमारे पास 17-18 के आसपास स्टॉक्स आ गए हैं निकल कर। तो इस प्रोसेस की मदद से दोस्तों हमने काफ़ी ईजिली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगले दिन के लिए यानी बेस्ट जो पॉसिबल स्टॉक्स हैं उनको हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन दोस्तों क्या हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए हमने इस स्क्रीनर और अपने फिल्टर्स जो हमने डिस्कस करे उसकी मदद से इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई तो कर लिया है। हमारे पास कुछ अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट भी यहाँ पर आ गई है जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी दोस्तों हमें इनमें से बेस्ट स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक बार चार्ट्स पर जाकर स्टॉक्स का एनालिसिस करना होगा। उसको करने के लिए सिंपल क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमें बाइंग के लिए कोई स्टॉक देखना है तो इस लिस्ट में हम लोग सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को कंसीडर करेंगे जिसमें हमें सारे टाइम फ्रेम्स पर स्ट्रॉन्ग बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा हो। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टॉक है LIC इंडिया, यहाँ पर सारे ही ऑप्शन में यानी 15 मिनट
आवरली, डेली, वीकली, मंथली, सारे ही टाइम फ्रेम्स पर हमें स्ट्रॉन्ग बाय का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस स्टॉक को हम लोग बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पे हमें आगे चल के चार्ट्स में एनालिसिस करना होगा। लेकिन वही इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये विप्रो का शेयर है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स पर इसमें हमें स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है। एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में हमें जरूर एक वीकनेस देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें मान लीजिए सेलिंग के लिए इस स्टॉक को चुनना होता, विप्रो के स्टॉक को हमें इंट्राडे सेलिंग के लिए चुनना होता, तो यहाँ पर हम सिर्फ तभी इसमें सेलिंग करते जब हमें सारे ही टाइम फ्रेम्स पर स्ट्रॉन्ग सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि सारे टाइम फ्रेम्स पर जब हमें एक जैसे सिग्नल मिल रहे हो, यानी स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल, तभी हम उस स्टॉक को आगे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे से कोई भी स्टॉक एक हम यहाँ पर लेकर उसमें चार्ट्स पर चल के उस पर एनालिसिस करते हैं। लेट्स पिक अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स का स्टॉक हमने इस वक्त ओपन कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक में एनालिसिस करते हैं, तो नो डाउट हमें यहाँ पर सबसे पहले एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक यहाँ पर व्यू लेना चाहिए, जिससे हमें चार्ट्स का जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, उसके बारे में एक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस स्टॉक का वीकली चार्ट ओपन करा, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक अपट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में ये स्टॉक फिलहाल काम करते हुए देखने को मिल रहा है। भी रिसेंटली यहाँ पर एक डिप हमें आते हुए देखने को मिला था, और 530 के लेवल से ये स्टॉक बाउंस करके आप देखोगे ऑलमोस्ट इन द लास्ट 2 वीक्स इस स्टॉक में हमें मोर देन 100 रुपीज का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो एटलीस्ट जो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। एक बार हम लोग दोस्तों डेली चार्ट पर फिर यहाँ पर अपने एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक में अराउंड दीस लेवल्स एक रेजिस्टेंस मौजूद था, और स्टॉक में रिसेंटली वहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर के लेवल से एक करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर ये स्टॉक हो सकता है जो ये रेजिस्टेंस लेवल था इसको एक बार रिटेस्ट करे, और इन रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से अपसाइड में जो मोमेंटम है इसका, अपसाइड मोमेंटम हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले। तो एक बार दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पर जाकर देखेंगे कि क्या ये स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है या फिर नहीं। बिकॉज अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स को ही यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे अच्छे से काम करता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम काफी सही रहता है। तो एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के इस चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट में हमें एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, और दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक में जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो उसमें उसके बाद हमें यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखने को मिलता है। और अभी कहीं ना कहीं दोस्तों अंबुजा सीमेंट्स का जो शेयर है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि दोस्तों एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लेवल है, राइट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है इस जगह के आसपास, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अब वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है इस सपोर्ट लेवल के आसपास, या फिर इस सपोर्ट लेवल के आसपास एक बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, तो यहाँ पर हम लोग इंट्राडे पर्पस के लिए बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो उस केस में दोस्तों हमारे जो शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे वो ये जो प्रीवियस जहाँ से स्टॉक में फॉल आया है 688 के लेवल, वहाँ तक के लिए हम लोग इंट्राडे में यहाँ पर इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ये समझनी है कि बुलिश प्राइस एक्शन से मेरा क्या मतलब है। जैसे आप देखोगे कि इस जगह पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास, और उसके बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है और हमें जो शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज है 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है। यानी हमें मल्टीपल कंफर्मेशन जब मिल जाती है, यानी एक कॉन्फ्लुएंस मिल जाती है, और उसके बाद हमने यहाँ पर अगर हम बाइंग करते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग बना सकते थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइंस का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है, या फिर आपको नहीं पता कि एक बुलिश प्राइस एक्शन क्या होता है, कोई इन्वर्टेड हैमर या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। उन वीडियोस को जाकर आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस में दोस्तों मैंने ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हैं तो भी दोस्तों इतनी सिंपल लैंग्वेज में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि आपको इन्हें समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप मेरे अगले वीडियो को मिस ना करें। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।